बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। केवल टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी की अपीलें मंजूर हो गई। इबाद फारूक इलेक्शन लड़ने के लिए नाहिल करार दिए गए। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद हो गई। नू लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हर पाकिस्तानी का हक है कि वो वोट का आजादाना इस्तेमाल करे। बानिए पीटीआई इमरान खान वही भुगत रहे हैं जो माजी में लाए हैं। वो अपनी नफरत और तकसीम की सियासत पर कौम से मुआफी मांगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बानिए पीटीआई को मशवरा। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मुजाहिद नकवी ने बेंच पर एतराज वापस ले लिया। वकील मखदूम अली खान ने मेरिट पर दलाइल देने की इजाजत मांग ली। हेडलाइन सामने जानिए, खबरों करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएंगे रुझान प्रेस क्लब के इंतखाबात। नौ मुंतखब बॉडी के सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर और सेक्रेटरी इत्तला'आत और नशरियात का चुनाव। नौ मुंतखब बॉडी की तकरीब हल्फ बरदारी, मुअज्जिज़ मेहमानी की शिरकत। नौ मुंतखब बॉडी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रेस क्लब राजमपुर सरदार मंसूर अहमद खान संजरानी ने हल्फ लिया। तमाम नौ मुंतखब अहदेदारान और अरकान ने मुल्क कौम और इलाके के वसीदार मुफाद में काम करने और अपनी तमाम तर सलाहियतों को गैर सियासी गैर जानबदाराना तौर पर सर अंजाम देने का हल्फ उठाया। हल्फ बरदारी म्यूनसिपल कमेटी रुझान में मुनक्किद हुई, जिसमें मुअज्जिज़ मेहमानाने चेयरमैन कोर्ट मिठन प्रेस क्लब शमशाह दफ्तर कोराई खलील रहमान खान संजानी समेत दीगर मेहमान ने शिरकत की है। ए1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ए1 टीवी। ए1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।